क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। लोकप्रियता के मामले में क्रिकेट के आसपास कोई भी दूसरा खेल नजर नहीं आता है। भारत में क्रिकेट के फैंस में इतनी दीवानगी है कि फैंस कई खिलाड़ियों की पूजा तक करते हैं। लेकिन क्रिकेट इतिहास में भी कई बार ऐसे पल आए हैं जब पूरा क्रिकेट जगत को शर्मसार होना पड़ा है। इस जेंटलमैन गेम पर कई बार फिक्सिंग का काला धब्बा भी लग चुका है। आईसीसी ने मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, कड़े कानून भी बनाए हैं, फिर भी बुकीज मैच फिक्सिंग की स्थिति पैदा करते तो रहते हैं। आज फिक्सिंग बताने वाला हूँ जिसने क्रिकेट जगत को काफी शर्मसार किया है। तो सबसे पहले जो क्रिकेट में जो फिक्सिंग हुई थी वो काफी बड़ी थी, वो जो हुई थी साल 2000 में। साल 2000 में हुआ सबसे बड़ा स्कैंडल क्रिकेट इतिहास का, यह सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज खेली गई 2000 में, उसमें सामने आया था। इसका खुलासा भारतीय पुलिस ने ही किया था। पुलिस ने बताया था कि दोनों टीमों के 5 खिलाड़ी मैच फिक्स करने के लिए बुकियों के संपर्क में थे। ये 5 नाम बड़े ही चौंकाने वाले थे। इसमें टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोनिये शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका के क्रोनिये ने स्वीकार किया कि अजहर ने उन्हें बुकी से मिलवाया था। बाद में अजहर और अजय जडेजा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। इस फिक्सिंग की लपेट में हर्षल गिब्स, निक्की बोए समेत दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ी आए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खुद को इन आरोपों से मुक्त कराने के लिए 11 साल तक न्यायिक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट भी मिली। तो सेकंड नंबर पर जो आती है वो फिक्सिंग हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग 2010 में पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे पर भी एक बड़ा मैच फिक्सिंग कांड सामने आया था। इस कांड में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और उस समय टीम के कप्तान सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में शामिल पाए गए थे। तीनों ने मजर मजीन नाम के बुकी से मैच में फिक्सिंग करने के लिए पैसे लिए थे। एक स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आया था कि माजिद ने आमिर और आसिफ को तय ओवरों में नो बॉल फेंकने के लिए कहा। सलमान बट भी इस वीडियो में थे। कई सुनवाइयों के बाद 2011 में आईसीसी ने तीनों खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया। बट पर 10 साल, आसिफ पर 7 साल और आमिर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। अब इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर जो काफी बड़ी फिक्सिंग हुई वो हुई थी आईपीएल 2013 में। 2013 में आईपीएल पर भी फिक्सिंग का काला धब्बा लग चुका है। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदौलिया को आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। इनके साथ विंदु दारा सिंह और मैयप्पन पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए बुकियों से संपर्क के आरोप लगे थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान रॉयल्स को जांच तक निलंबित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि श्रीसंत और चौहान ने स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। बीसीसीआई ने श्रीसंत और अंकित चौहान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने श्रीसंत के आजीवन प्रतिबंध को हटाकर सिर्फ 7 साल का कर दिया था। तो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।